रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। डीसीएम रोडवेज बस में टक्कर, 15 घायल। रुपईडीहा से यात्रियों को लेकर लखनऊ जा रही रोडवेज बस और डीसीएम में रविवार सुबह आमने सामने की टक्कर हो गई। बहराइच। रुपईडीहा से यात्रियों को लेकर लखनऊ जा रही रोडवेज बस और डीसीएम में रविवार सुबह आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में बस में सवार 15 यात्री घायल हुए हैं। सभी को कोतवाली देहात की पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचाकर भर्ती कराया है, इलाज चल रहा है। इनमें 4 घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों में कई यात्री नेपाल के निवासी हैं। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में ले लिया है। भारत नेपाल सीमा पर स्थित रुपईडीहा कस्बे से लखनऊ के लिए जनरथ एसी बस का संचालन होता है। रविवार तड़के यात्रियों को लेकर रोडवेज बस लखनऊ के लिए रवाना हुई। सुबह का मौसम होने के कारण अधिकतर यात्री बस में सो रहे थे। रोडवेज बस सुबह 6 बजे यात्रियों को लेकर लखनऊ बहराइच मार्ग पर कोतवाली के देहात के बसंतापुर गांव के निकट बस पहुंची। तभी लखनऊ की ओर से आ रही डीसीएम से आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में बस में सवार 15 यात्री घायल हुए हैं। आसपास के ग्रामीणों ने सूचना पुलिस को दी। प्रभारी निरीक्षक आलोक राव पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस कर्मियों व ग्रामीणों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकाला। इसके बाद एम्बुलेंस व पुलिस वाहन से सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। यहां पर इमरजेंसी में तैनाती एमओ डॉक्टर मनोज चौधरी ने यात्रियों का इलाज शुरू किया। चिकित्सक डॉक्टर मनोज चौधरी ने बताया कि घायलों का इलाज चल रहा है। इनमें 4 यात्रियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि बस के चालक विश्वनाथ से भी दुर्घटना के कारणों की जानकारी ली जा रही है।